हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपना कल चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और साउंड जो है वो क्लियर किया था, ठीक है, कंप्लीट हो गया था। आज जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हो, आप ये सारे चैप्टर्स काइंड ऑफ रिवीजन है आपके लिए। तो वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, ठीक है, कि वर्क होता क्या है। बच्चे आपने अपने जो फोर्स एंड मोशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है पीछे, उसमें आपको पता है कि जब भी हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, है ना, जब एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, वर्क होता क्या है, वर्क मतलब काम कब होगा। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, इस पर फोर्स लगाई। फोर्स मतलब पुश एंड पुल ऑन द बॉडी, ये आपने फोर्स लगाई, ठीक है। ये बॉडी है, आपने क्या किया, फोर्स लगाई उस पर, उस फोर्स से क्या हुआ, आपकी बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ चल के, मतलब उस पर कुछ मोशन हुआ, मोशन मतलब कि मूवमेंट हुई बॉडी की अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे। वो फोर्स, वो बॉडी, वर्क क्या होता है बच्चे, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है और वो बॉडी क्या होगी, मोशन में आएगी, मतलब मूवमेंट करेगी, उस टाइम आप बोलोगे वर्क इज सेड टू बी डन। वेन ever a force makes a body move, the work is said to be done, ठीक है। मतलब work कब होता है, जब आप क्या करोगे, किसी body को force लगाओगे और वो body अपनी जगह से move करेगी, उसको बोलते हो क्या, work। अब देखो जैसे ये है, ठीक है, ये मैंने अपने हाथ में मार कर रखा हुआ है, जब तक मैं इसको force लगा के आगे push नहीं करूँगी तब तक क्या होगा, work done नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, मैंने बस इसको फोर्स लगाई, बस ये मतलब मैं फोर्स लगा रही हूँ इसको, ठीक है, फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब वर्क डन नहीं हो रहा। अगर मैंने इसको फोर्स लगा के आगे पुश किया, मतलब ये अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज हुआ, मोशन हुआ, मूवमेंट हुई, इसका मतलब कि इस पर क्या हुआ, वर्क हुआ, ठीक है। जब तक फोर्स लगा के मोशन नहीं होगा, मूवमेंट बॉडी की नहीं होगी, तब तक आप क्या बोलोगे, वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि वर्क करने के लिए क्या चाहिए, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको जब वर्क करना होता है कोई भी, उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, आपका वर्क नहीं होगा, है ना। कैसे नहीं होगा, जैसे ये एनर्जी है, आपकी एनर्जी लो है तो क्या आप किसी बॉडी को मूव करवा सकते हो, मतलब फोर्स लगा के क्या उसको मूवमेंट करवा सकते हो, तो क्या होगा, एनर्जी कम होगी, फोर्स भी कम होगी, फोर्स कम होगी तो आपका वर्क भी क्या होगा, कम होगा। अगर आपकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, फोर्स आप ज़्यादा लगा पाओगे ताकत, तो वर्क भी क्या होगा, डन होगा, ठीक है। एक ये चीज़ है, उसके बच्चे आपको पता है कि वर्क इज़ डन बाय ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स देन द एनर्जी फॉर डूइंग इज सप्लाइड बाय द फूड। हाँ देखो, जब ह्यूमन बीइंग्स या फिर जो एनिमल्स हैं वो वर्क करते हैं, है ना, जब आपके ह्यूमन बीइंग्स, इंसान या फिर जो एनिमल्स हैं, जब वो वर्क करते हैं तो वो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से लेते हैं बच्चे, वो फूड जो वो खाते हैं ना, फूड उनसे उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जब आपकी कोई मशीन्स वर्क करती हैं तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्यूल से, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वर्क डन करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं
या एनिमल्स हैं वो एनर्जी लेते हैं फूड से, एंड जो मशीन्स होती हैं आपकी, जो मशीन के थ्रू आप वर्क करते हो, उनको एनर्जी मिलती है फ्यूल से. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आपका कोई वर्क डन होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी आपकी, यूटिलाइज होगी. सॉरी, क्या मतलब हुआ, व्हेन वर्क इज डन देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड. क्लियर, क्या मतलब हुआ कि जब आप बोलोगे कि मेरा वर्क डन हुआ, है ना, जब भी आपको कोई वर्क करना होगा तो उसके लिए आपको उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड अप करनी पड़ेगी. ठीक है, अब हम देखते हैं सिर्फ वर्क के लिए. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क. ठीक है, कि वर्क है क्या. अच्छा, अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करें तो वर्क जो है होता क्या है, वो या तो आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिर आपकी कोई मेंटल एक्टिविटी. क्या होती है वर्क, वर्क होता है या तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो या फिर आप मेंटली कोई एक्टिविटी करते हो, उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहते हैं वर्क. किसमें, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में. ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम बोलें, बट इन फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उसमें क्या बोलते हैं, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन. फिजिक्स में क्या बोलते हैं, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन. ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्क कब होगा, जब आप किसी बॉडी पे, ये वर्क कब डन होगा, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे और वो बॉडी मूव करके क्या जाएगी, किसी मोशन पे आ जाएगी, है ना, मूवमेंट होगी उसकी, तो उसको क्या बोलोगे आप कि इस पे, इस बॉडी पे वर्क डन हुआ है. क्लियर. अब फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे आपने देखा होगा कि जो ट्रेन है ना, वो मूव, उसको कौन करवाता है, जब इंजन मूव करती है किसी ट्रेन को, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वर्क डन हो रहा है, है ना. मैं एग्जांपल्स बताती हूँ अब आपको. जैसे एक ट्रेन है, ठीक है, अब क्या है, उसमें इंजन लगा होता है. अब अगर इंजन उस ट्रेन को क्या करवा रही है, मूव करवा रही है, तो उसका क्या मतलब है, उस पर वर्क डन हो रहा है. ठीक है, या फिर एक हॉर्स है, वो क्या कर रहा है, ये एक कार्ट है उसके पीछे लगी हुई, और यहाँ पे क्या आपका हॉर्स. अब क्या है दूसरी एग्जांपल, कि एक हॉर्स है, वो क्या कर रहा है, कार्ट को पुल कर रहा है, उसका क्या मतलब, मतलब क्या, फोर्स लगा रहा है ना, उसको पुल कर रहा है कार्ट को, मतलब फोर्स लग रही है. फोर्स लगने के बाद क्या हो रहा है, कि ये मूवमेंट कर रहा है, इसकी मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है. अगर कोई मैन जो है वो क्या कर रहा है, ये स्टेयर्स है, ठीक है, अगर कोई मैन जो है वो स्टेयर्स चढ़ रहा है, तो उसका क्या मतलब है, कि वो भी वर्क कर रहा है बट अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी क्या करती है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ग्रेविटी में, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जा रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है. ठीक है, ये है आपका वर्क. अब बच्चे देखो, जब वर्क डन होता है, वर्क होता है, तो वो आपकी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. देखिए, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. देखिए क्या है, जब कोई बॉडी पे फोर्स लगती है और हम बोलते हैं कि वर्क डन हो रहा है, तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक तो वो करती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, और वो दूसरी डिपेंड करती है डिस्टेंस पे. ठीक है, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी, जिस डिस्टेंस पे आपकी बॉडी मूव कर रही होती है. मैं बताती हूँ अब आपको ये क्या है. देखिए,
क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका वर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके फोर्स पे इनटू डिस्टेंस पे, इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे करती हूँ, देखो, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मैंने उस पर एक फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, बॉडी में मोशन हुई, है ना, फोर्स लगी, मूव किया बॉडी ने, और फाइनल पोजीशन उसकी ये आ गई, ये क्या आ गई, उसकी फाइनल पोजीशन, ये ए बॉडी है, सेम ए है, बट इस टाइम इसकी पोजीशन क्या बन गई है, यहां बन गई है। तो बच्चे जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका एस, मतलब फोर्स लगने के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में, है ना, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, मूवमेंट जो उसने हुई उसको बोलोगे आप डिस्टेंस। तो वर्क आपका किसके बराबर होता है, वर्क आपका बराबर होता है जितनी फोर्स लगी इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव हुआ फोर्स की ही डायरेक्शन में, उसको आप क्या बोलते हो, वर्क। क्लियर, यहां तक क्लियर है कि वर्क आपका डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, एंड सेकेंड आपका करता है डिस्टेंस पे। कहीं कहीं पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी लिखा होगा, तो यहाँ पे आपने कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर लिखा होगा तो वो दोनों चीज़ें इसमें सेम ही रहेंगी, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए क्या बना ये, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अब बच्चे देखो, इसी के बेस पे आपके क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपने एक बात नोट करनी है कि व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स, देन जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, मतलब जो क्या करेगा, मोशन ऑफ द बॉडी को अपोज करेगा, कहाँ पे, जब आप ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो वर्क डन होगा वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। कहीं कहीं बुकों पे डिस्टेंस लिखा होगा और कहीं कहीं पे आपका डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। अब बच्चे देखो, वर्क होता क्या है, वर्क होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एंड डिस्टेंस का यूनिट होता है आपका मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या हुआ, वर्क का यूनिट हुआ आपका न्यूटन मीटर, क्लियर। ये क्या आपका एसआई यूनिट। बट हम क्या करते हैं, एक आपके जोल थे साइंटिस्ट, उनको उनके नाम पे फिर उन्होंने वर्क पे बहुत काम किया था, ठीक है, वर्क टॉपिक पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या किया, इन्होंने इसका यूनिट जोल भी रख दिया, ठीक है, वर्क का यूनिट और क्या है आपका, जोल, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क एक है आपका न्यूटन मीटर और सेकंड क्या है आपका, वन जोल, क्लियर। अब बच्चे देखो, आप क्या बोल सकते हो कि वन जोल किसके बराबर है, वन न्यूटन इंटू वन मीटर, सॉरी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम वन न्यूटन फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी को मूव करने के लिए थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन इज नोन एज वन जूल। क्या मतलब हुआ कि आप वर्क डन, वर्क इज डन वन जूल पे, वर्क कब डन होगा, जब आप वन न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे किसी बॉडी पे, कितना डिस्टेंस के लिए, थ्रू वन मीटर ऑफ
थ्रू 1 meter ऑफ डिस्टेंस इन इट्स ओन डायरेक्शन, है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपका 1 meter का डिस्टेंस कवर अप हो रहा है, तब आप बोलोगे कि वर्क इज सेट टू बी डन इन 1 joule.